हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड, 11th क्लास की जो बायोलॉजी है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जनरली ये आपको नीट के क्वेश्चंस में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, तो सबसे पहले फीचर्स आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम ले लेते हैं फीचर्स, ओके ठीक है। फीचर्स में क्या क्या आता है, देखो, ग्रोथ एक फीचर है, रिप्रोडक्शन एक फीचर है, मेटाबॉलिज्म एक फीचर है, एंड कॉन्शियसनेस भी एक फीचर है, ठीक है। तो इन जो जितनी भी चीज़ें हैं ये, तो इनमें से कौन सी चीज़, एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है इसको, हाँ सेट करते हैं, हाँ। तो इनमें से कौन, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो वो ग्रो करता है, वो रिप्रोडक्शन भी करता है, वो मेटाबॉलिज्म भी करता है, वो कॉन्शियसनेस भी शो करता है। तो बोलने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा डिफाइनिंग है और कौन होता तो है, पर अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब नॉन लिविंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं। तो देखो, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अगर किसी का मास बढ़ रहा है और उसका नंबर, उसके बॉडी में जो नंबर ऑफ सेल्स वो बढ़ रहे हैं, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो देखो, अगर आप गौर से देखोगे, जो छोटे छोटे, मान लो कहीं छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, टाइम के साथ, एक पर्टिकुलर टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगा कि वो उस पहाड़ का ऑल ओवर साइज बढ़ा है, उसकी ग्रोथ हुई है। इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी ये नहीं है कि कोई भी ग्रो करने वाली चीज़ लिविंग होती है, ठीक है। तो देखो, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दोनों शो करते हैं ये, ठीक है। तो लिविंग क्या होता है, लिविंग में जो बॉडी की ग्रोथ हो वो इंट्रेंसिक होती है, कैसे होती है, इंट्रेंसिक। और किसी भी नॉन लिविंग की बात करें तो उनकी ग्रोथ कैसे होती है, उनकी ग्रोथ होती है एक्सट्रेंसिक, ठीक है। अब उसको नेक्स्ट बात करते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन कहलाता है, प्रोजेनी, ठीक है। तो जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो देखो, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी ऑफ सेम काइंड, हम ये है रिप्रोडक्शन की डिफाइनेशन, ठीक है। अब यहाँ बात यह आती है, क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है, या हो, अगर हो तो चलेगा या नहीं। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको रिप्रोडक्शन दिखेगा, पर क्या जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, क्या वो लिविंग नहीं है। तो उनके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं रिप्रोडक्शन, बट सम एक्सेप्शन आर सीन सच एज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, ठीक है, एंड म्यूल्स एंड स्टराइल वी वर्कर्स, जो बी वर्कर्स होते हैं, आपने सुना होगा कि कुछ मधुमक्खियों में कुछ ग्रुप होता है जिनको वर्कर भी कहते हैं, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना, इन्हें स्टराइल बोलते हैं। फिर ह्यूमन में भी आपने देखा होगा कैसे बहुत सारे कपल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऑक्यूपाई लिख दिया, कपल्स होना चाहिए था, ठीक है। तो कुछ ह्यूमंस में भी कपल्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो क्या वो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, पर डिफाइनिंग नहीं है, इससे हम डिफाइन नहीं कर सकते कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग, ठीक। तो नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, अगर आप इसे डिटेल में से पढ़ोगे तो सिंपल लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ मैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, लिविंग सेल में होती हैं, चाहे वो सेल के अंदर चीज़ों का तोड़ना हो, चाहे चीज़ों का बनना हो, फॉर्मेशन हो या ब्रेकडाउन हो, फॉर्मेशन का मतलब होता है एनाबॉलिज्म, क्या होता है एनाबॉलिज्म, और चीज़ें टूटती हैं तो हम बोलते हैं उन्हें वो कैटाबॉलिज्म है, ठीक है ना। तो ये जनरली आपको सीन इन यूनिसेलर एज वेल एज मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, आपको ये यूनिसेलर में भी देखने को मिलेगा, प्लस मल्टी सेलर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्शियसनेस।
तो नेक्स्ट आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर मान लो कोई भी आपको टच करता है या पिंच करता है तो आपको पता तो चलना चाहिए ना कि हाँ कोई मुझे पिंच कर रहा है, कुछ टच कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है कॉन्शियसनेस, ये एक डिफाइनिंग फीचर है। क्यों है? तो देखो, सीन इन ऑल यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली ह्यूमन इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब आपको लिविंग जितने भी लिविंग हैं उसमें सब में आपको देखने को मिलेगा कॉन्शियसनेस, पर सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है? ह्यूमंस के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सीन इन ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो चाहे वो यूनिसेलुलर चाहे मल्टी सेलुलर, वो क्या शो करते हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो बस हो गया।